अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माई डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये हमारा साइंस क्लास है और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री से और इसके 8 मार्क्स भी हैं। तो हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, इसमें तो मैं आपको थोड़ा रिकैपिटुलेट करूंगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। यानी जो आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। समझ आ गई बात? यानी आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स, उनमें जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स उनको हम करते हैं, यानी उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट पोजीशंस पे हम उनको रखते हैं। तो इसी तरह से हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी जिनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस वक्त हम और लेंगे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन की जो फार्मूला होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C5H12, इसका मतलब ये है कि कम से कम C5 होने चाहिए, फाइव होने चाहिए, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है और किस तरह से बनाएंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम करेंगे काम, ये दूसरा स्टेप होगा और ये तीसरा स्टेप होगा। समझ आ गई बात? तो पहले स्टेप में हम करेंगे काम, पांचों के पांच कार्बन जो है वो स्ट्रेट रखेंगे। क्या रखेंगे? स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन को हमने स्ट्रेट में रखा है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाले हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। अगर हम इनको गिने, 5 तो कार्बन आ गए, अब कितने आने चाहिए हाइड्रोजन, 12 आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये पहला सेटअप होगा, इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। क्या कहते हैं? एन पेंटेन। तो ये नॉर्मल एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन की, या नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक पेंटेन का। तो इसके बाद हमने क्या डेफिनेशन क्या भी बताई कि हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स करते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा लेकिन फार्मूला तो वही रहेगी, यानी C5 रहेगा और H12 भी होगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे दूसरा सेटअप क्या है, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चार कार्बन रखेंगे और एक को डाउन लेंगे या ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे लाएंगे एक कार्बन को। समझ आ गई बात? यानी साइडवेज हम इसको लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन कितने आ गए, पहले स्ट्रेट लाइन में कितने रखेंगे, चार, और उसके बाद एक को कहाँ लाएंगे, डाउनवर्ड यहाँ पे लाएंगे साइड में, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर। इसके बाद हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बराबर आ गई। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ चार कार्बन जो है उसको स्ट्रेट लाइन में रखा है, एक को नीचे या ऊपर भी कर सकते हैं, तो ये आइसोपेंटेन बन गया। अगर हम इसका IUPAC नेम भी दें तो गिन के सर यहाँ पे गिनेंगे, यहाँ पे हमने इसको डाउन किया, 1, 2, 3 या 1, 2, यहाँ पे आप देखेंगे 2-methyl-butane बनता है, ये 2-methyl-butane क्या बनता है, 2-methyl-butane यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे ये कार्बन, एक का मतलब हो गया मिथाइल। कितने कार्बन नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो ये जब कार्बन मिथाइल उसके बाद ब्यूटेन, कहां पे कि चार रहने चाहिए, यानी ब्यू का मतलब हो गया चार, यानी चार कार्बन इसके इर्द गिर्द होंगे और फिर बाकी हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा सेटअप जो होगा, तीसरा सेटअप यहाँ पे हमने क्या रखा, तीसरा सेटअप हमने तीन कार्बन को हमने स्ट्रेट लाइन में रखा, एक को, एक कार्बन को ऊपर किया और दूसरे कार्बन को नीचे साइड में लिया। तो अब हम गिनेंगे कि क्या कार्बन पांच आ गए बराबर, 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बराबर 12 है। तो इसका हम नाम दे सकते हैं 2,2-dimethyl propane, 2,2 यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, इसके मतलब कितने बन गए, 2,
ये कितने मिथाइल कितने हैं, दो हो गए डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटेन। तो पहले हमने पहला सेटअप क्या करना है, पहला सेटअप इस तरह से करना है कि पांचों के पांच कार्बन स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद दूसरा सेटअप चार कार्बन स्ट्रेट लाइन में एक साइड में करना है, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, तीन कार्बन जो है उनको हमें स्ट्रेट में रखना है और दो को साइड में लेना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसी तरीके से ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स उन्ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनता है जिनकी जो फार्मूला यानी जिनका कार्बन एटम चार नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, फोर या फोर से ज्यादा होने चाहिए, तो तब हम इनकी जो ये है जो स्ट्रक्चर होगा वो बन सकता है। तो आप ट्राई भी करोगे जो बाकी है, मिसाल के तौर पर पेंटेन, उसके बाद क्या होता है हेक्सेन है, हेप्टेन है, इनकी जो है वो स्ट्रक्चर आप बनाओगे खुद।